न्यूज डिवाइन आपके लिए लेकर आता है निरंकारी जगत की सूचना व समाचार, जिसमें आप देखेंगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा, सेल्वेशन टूर्स में निरंकारी मिशन की इंटरनेशनल खबरें, मिशन ओवरसीज में चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दिए जा रहे सामाजिक योगदानों की जानकारी, SNCF डायरी में, और साथ ही समाज के प्रतिष्ठित सज्जनों की विचारधारा से रूबरू होंगे एक खास मुलाकात में। देश विदेश के कोने कोने में हो रही निरंकारी जगत की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज डिवाइन। Gentle words of kindness, a hug of love for all, a heart full of compassion, and a world without walls. Welcome, dear friends, and all the co-devotees in the March 2016 episode of News Divine, where we are going to share the divine news and information of the Sant Nirankari mission pertaining to the month of February 2016 with all of you. I am Rakesh. And I am Jordan. Namaskar, Dhan Nirankar. Dosto, फरवरी का महीना जहां बसंत का आगमन करता है, फूलों की खुशबू से फिजा को हसीन बनाता है, वहीं निरंकारी परिवार के लिए यह महीना गुरु पूजा के पावन उत्सव की खुशियां भी लेकर आता है। The devotees of the mission all across the globe celebrate this month, which incidentally also happens to be the month of Valentine, of love, by seeking the blessings of His Holiness Nirankari Baba Hardev Singh Ji Maharaj on his birthday. जी हां, गुरु पूजा दिवस व अन्य खबरों के साथ प्रारंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को प्रमुख समाचारों के साथ। हेडलाइंस ऑफ द मंथ, सर्वेशन टूर्स ऑफ हिज होलीनेस, गुरु पूजा समागम, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जॉर्डन, Do you know that for the last approximately 36 years, His Holiness Babaji has been visiting villages, towns and cities across India and numerous nations around the world to bless millions and to spread the message of love and peace? Incredible, isn't it? Absolutely, and it's so rightly quoted in the Holy Avatar Vani, Satguru onda duniya utte sare hi sansar le. Satguru onda duniya utte kebal paryopkar le. And how can we forget the selfless contributions of Nirankari Raj Mataji and Pujya Mataji, who stood every test of time and shared the divine responsibility with His Holiness to establish truth in saving mankind from the chains of ignorance and ego. जी हाँ दोस्तों, मार्च की 8 तारीख को विश्व महिला दिवस यानी Women's International Day भी मनाया जाता है, और हमें इस अवसर पर मातृशक्तियों के हर आशीष, हर योगदान के आगे नतमस्तक होना होगा। न्यूज डिवाइन की अपनी यात्रा के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, सदगुरु बाबा जी की कल्याण यात्राओं के ब्यौरे के बारे में जानते हैं। In the section Salvation Tours, कल्याण यात्राओं की लड़ी में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 4 फरवरी से 10 फरवरी तक पंजाब और जम्मू कश्मीर की यात्रा कर वहां रहने वाले भक्तों को कृतार्थ किया। इस यात्रा का पहला पड़ाव था पंजाब का राजपुरा। भक्तों ने पुष्प भेंट कर अपने आराध्य का भावभीना स्वागत किया। अगले दिन 5 फरवरी को राजपुरा की अनाज मंडी में सत्संग समारोह आयोजित किया गया। सत्संग समारोह में विशाल संख्या में भक्तों का आगमन हुआ, जिससे ग्राउंड पूरी तरह से भरा हुआ था। मानवता के मुखारबिंद से देर तक भक्ति भरे गीतों और प्रेरणा भरे व्याख्यानों की लड़ी सी चलती रही। सत्संग समाप्ति के उपरांत इसी दिन शाम को सद्गुरु बाबा जी ने भक्तों को पारिवारिक रूप में भी आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दिया। यहां से निकलकर हुजूर का ये काफिला साहनेवाल पहुंचा। यहां पर हुजूर बाबा जी ने नव निर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन अपने पावन कर कमलों के द्वारा किया। तत्पश्चात रात को ही यहां से रवाना हो गए और कुछ समय के बाद लुधियाना सत्संग भवन पर पहुंचे। अपने इष्ट को अपने समक्ष पाकर संगतों की खुशी का ठिकाना ना रहा और देर रात तक रौनकें लगी रहीं। 6 फरवरी की सुबह लुधियाना में सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। खुले वाहन में जब हुजूर बाबा जी का आगमन हुआ तो भक्तों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
अलग अलग संस्कृति के परिधानों से सजी बहनों ने मोहक नृत्य प्रस्तुत कर अपने आराध्य का भावभीना स्वागत किया। सत्संग कार्यक्रम में गीत, व्याख्यान और कविता के रूप में देर तक भक्ति की धारा प्रवाहित होती रही। अंत में हुजूर बाबा जी ने समस्त मानव परिवार को संबोधित करते हुए कहा, भक्ति वाले रंग नू हमेशा भक्ता ने अपने मन दे उते चढ़ाया है और इसे रंग नू पक्का करन दे ले हमेशा ही इस ज्ञान दी जोत नू जगाए रखते हैं ताकि ये जड़ा रंग है कदे फिक्का ना पवे। तत्पश्चात हुजूर बाबा जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी मेमोरियल क्रिकेट एसोसिएशन की ओपनिंग सेरेमनी में उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ पर एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। संगोवाल सत्संग भवन पर भक्तों को एक बार पुनः नमस्कार का अवसर प्रदान कर हुजूर बाबा जी अपने काफिले सहित अगले पड़ाव अमृतसर की ओर बढ़े। रास्ते में नवनिर्मित फिल्लौर सत्संग भवन पर चंद पलों के लिए हुजूर ने रुक कर भवन का उद्घाटन किया और उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ से निकलकर हुजूर बाबा जी अपने काफिले सहित अमृतसर सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पर सद्गुरु बाबा जी के दर्शनों हेतु भारी संख्या में मानव सैलाब उमड़ा हुआ था। हुजूर बाबा जी ने बालकनी में खड़े होकर ही भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन 7 फरवरी को सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। हुजूर के आगमन पर सेवा दल के अनुशासनबद्ध जवानों ने बैंड बाजे की सुर लहरियां छेड़कर अपने हृदय के महामहिम का भावपूर्ण अभिनंदन किया। सत्संग कार्यक्रम में भक्ति भरे गीत आनंदित कर रहे थे तो प्रेरणा भरे वक्तव्य अध्यात्म के प्रति जागरूक कर रहे थे। देर तक यह सिलसिला चलता रहा। अंत में मानवता के मसीहा के मुखारबिंद से कुछ इस तरह की अमृत धारा प्रवाहित हुई। महापुरुष कहते हैं कि सूझवान वही है जेड़े लाभ खटदा है, जेड़े लाभ दे सौदे करदा है वही सूझवान है, और जेड़ा कि मूल भी गवां बैठदा है उसनू अनजान किया जाता है, उसनू मूर्ख किया जाता है। तो मूर्खता संसार विच हुंदी आई है, इंसान मूर्खता दे प्रमाण दिंदा आया है, अपने पैर दे उत्ते कुलाड़ी मारदा आया है, जिस टहणी ते बैठा है उसनू वढ़दा आया है। तो ये मूर्खता दे प्रमाण इंसान ने हमेशा दिते हैं। तो सूझवान वही हुंदा है जिहड़ा समय दी संभाल करदा है, जिहड़ा जीवन दी संभाल करदा है, और इन्हां साहां नू इसे सच दे इंसानियत दे समर्पित कर दिंदा है। अगले दिन मुस्तफाबाद सत्संग भवन पर हुजूर बाबा जी का आगमन हुआ और यहाँ उपस्थित भक्तों को दया सिंधु की पावन कृपा प्राप्त हुई। तत्पश्चात हुजूर बाबा जी अमृतसर सत्संग भवन से होते हुए जम्मू कश्मीर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में कई स्थानों पर सत्संग भवनों में उपस्थित भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाकर निहाल किया और फिर इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया तो कठुआ और सांभा में भी भक्तों के प्रेम ने रोक लिया। हुजूर बाबा जी ने यहाँ भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया और फिर अपने अगले पड़ाव उधमपुर के लिए रवाना हो गए। उधमपुर पहुंचे तो यहाँ के सत्संग भवन पर एकत्रित भक्तों के हर्ष का पारावार न रहा। अगले दिन 9 फरवरी को दिन में उधमपुर में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ चारों ओर पसरे कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच पहाड़ों के आंगन में भक्ति प्रेम का उत्सव मनाया जा रहा था। देर तक भक्तिमय गीतों, आध्यात्मिक व्याख्यानों का प्रवाह चलता रहा। तत्पश्चात जम्मू कश्मीर आगमन हुआ। यहाँ पर 10 फरवरी को सत्संग कार्यक्रम का आयोजन था। अधिक संख्या में भक्तों की उपस्थिति से सत्संग स्थल पूरी तरह से भरा हुआ था। भक्तों की सुविधा हेतु यहाँ पर लंगर, कैंटीन और पब्लिकेशन आदि की समुचित व्यवस्था की गई थी। सत्संग कार्यक्रम में देर तक गीत, विचार और कविताओं के रूप में सत्य की आवाज गूंजती रही। अंत में मानवता के मसीहा हुजूर बाबा जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, संसार में आज चारों तरफ के वातावरण माहौल को हम देखते हैं
जहाँ पर हिंसक प्रवृत्तियाँ कितनी मजबूत हो चुकी हैं और इंसान इंडिविजुअली भी समाज में परिवार में रहता हुआ भी हिंसक होता चला जा रहा है, सहनशीलता कम होती चली जा रही है, इनटॉलरेंट होता चला जा रहा है, ज़रा सी बात भी बर्दाश्त नहीं करता है, ज़रा सा शब्द बर्दाश्त नहीं करता है, दूसरे की जाति बर्दाश्त नहीं करता है, दूसरे का धर्म बर्दाश्त नहीं करता है, यानी कि बिल्कुल ही कदम कदम पर एट एवरी स्टेप ये इंसान की इंटॉलरेंस हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक हालात हैं, ये सत्य है, इंसान जितना मर्जी झुटला ले लेकिन ये सत्य है कि इंसान कितना उतावला और इनटॉलरेंट होता चला जा रहा है, वो सहजता जाती चली जा रही है, वो धीरज पता नहीं कहाँ जाता चला जा रहा है, क्योंकि इंसान इस कदर अपना जो म्यार है वो नीचा करता चला जा रहा है। सत्संग समाप्ति के पश्चात सत्यपथ का ये कारवां वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गया और संपन्न हुई पंजाब और जम्मू कश्मीर की कल्याण यात्रा। So that was a look into the divine journey of Sadhguru Babaji, and now it is time to move forward with a report on Smagams. दोस्तों, फरवरी के महीने में जैसा आरंभ में ही जिक्र हुआ, गुरु पूजा दिवस का उत्सव मनाया जाता है और बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिन की खुशियों को नाच गाकर ही नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने के अनेक सार्थक प्रयास और योगदानों के माध्यम से गुरसिक्खी से मनाते हैं। This year too, the Guru Puja Divas was celebrated in various branches of the mission by sharing the teachings of His Holiness and also through social initiatives like tree plantation, cleanliness drives, etc. We shall see a detailed report of these initiatives in the section SNCF Diary. But for now, let us take a look at the Guru Puja Samagam celebrations. फरवरी के महीने में समागमों की लड़ी में 23 तारीख को सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस पर गुरु पूजा दिवस के रूप में एक भव्य समागम मनाया गया। ये समागम दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित समागम ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली और NCR के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और UP की संगतों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। सत्संग समारोह में सद्गुरु को समर्पित भक्ति और खुशियों से भरे गीत और मधुरमय शुभकामना भरी कविताओं की सुंदर लड़ी सजी रही। श्रद्धालु भक्तों ने अपने इष्ट को सुंदर सुंदर कार्ड, गुलदस्ते आदि भेंट कर जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने पत्र भेजकर सद्गुरु बाबा जी को जन्म दिवस की बधाई दी और मिशन द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। अंतिम दौर में सद्गुरु बाबा जी ने सभी का धन्यवाद करते हुए भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए। आप सभी यहाँ पर जिस उत्साह के साथ पहुँचे हैं तो वाकई ही ये आपका प्रेम है और ये प्रेम ही है जो वास्तविकता में अरसे से प्राप्त होता चला जा रहा है। साथ संगत का प्रेम और आशीर्वादें प्राप्त होती चली जा रही हैं। तो जो राजमाता जी भी अक्सर कहते थे कि ये एक तरफा प्यार नहीं है, ये दो तरफा प्यार है, ये वो प्यार नहीं है कि चांद और चकोरे वाला या एक फूल और भंवरे वाला, यहाँ पर दोनों तरफ ही इस प्रकार से ये प्रेम की धारा होती है। एक प्रेम हृदय में जो होते हैं उसी प्रेम के तहत एक दूसरे पर निछावर हुआ जाता है, एक दूसरे की कशिश बनी रहती है, एक दूसरे की प्रति लगन ये लगी रहती है। अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम टू NIS न्यूज। दोस्तों, कुछ ही महीनों में हम NIS 2 की दिव्य यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में आयोजित होने वाला ये महाउत्सव अपने आप में एक अनूठा और अद्वितीय अनुभव होगा और आज से लेकर NIS 2 तक सभी गतिविधियों की जानकारी पाना अब बहुत आसान होगा। पेश है SNM मोबाइल ऐप, एक पॉकेट गाइड जो आपको NIS के एक सप्ताह तक चलने वाले इवेंट्स आदि की सूचना देती रहेगी। ऐप के मुख्य पेज पर एक सूची होगी जो NIS इवेंट्स की दैनिक जानकारी आपको देती रहेगी। जैसे जैसे नई जानकारियां उपलब्ध होंगी उन्हें इस ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा।
इसी ऐप में डिस्कवर टैब के माध्यम से आप यात्रा, रहने की व्यवस्था, सिटी टूर आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। फीड टैब के माध्यम से आप सामाजिक व NIS संबंधित समाचारों, लाइव ब्रॉडकास्ट व सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि की जानकारी भी प्राप्त व शेयर कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन टिकट्स आदि का निरीक्षण करना भी इस ऐप से सुलभ होगा। आज ही SNM मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड और आईफोन डिवाइसेस पर उपलब्ध। Welcome back, viewers. The message of the Nirankari mission has now become a global phenomenon. The torch of humanity and oneness is now being carried by the volunteers of the mission in various parts of the world. Let us take a look into the activities and contributions that were made by such devotees outside India in the section Mission Overseas. The Guru Puja Divas was celebrated with devotion and fervor in various parts of the globe in the month of February 2016. Here is a report from the Washington, D.C. branch of the mission. The Sant Nirankari Mission, Washington, D.C. chapter, gathered together to celebrate Guru Puja Divas 2016 here in Chantilly, Virginia at the Oneness Center. We celebrated on Tuesday, February 23rd, and also the main celebration was today, Sunday, February 28th. Let us now look how the New York branch of the mission celebrated Guru Puja Divas with some social activities. The month of February holds a very dear place in the hearts of every devotee of the Nirankari world. It is the Guru Puja Divas month and it is celebrated joyously across the globe. As per the directives of the head of the mission, spiritual mentor Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, the most apt way to observe this day is by harboring and promoting great human sentiments, sentiments of unity, oneness, love, and compassion. Various human causes are organized and taken place into that day. New York branch too hosted a food drive in association with the world-renowned House of Ronald McDonald's Children's Hospital. This organization has been providing a great range of services as well as a residential facility to parents, guardians, and relatives of children undergoing treatment at the affiliated hospitals. The event was held on the 21st of February at the locally held congregation venue. Devotees from all parts of the New York region, as well as neighboring states, participated in the event with exceeding zeal. The entire morale of the event was further amplified as representatives from the House of Ronald McDonald Children's Hospital, Ms. Jane and Mr. Sell, made their way into the receiving area. A week later, devotees of the New York branch celebrated Guru Puja Divas in the official format designated by the Nirankari Mission World Headquarters. The Australia branch of the SNM also organized a satsang along with Cleanliness Drive on the Guru Puja Divas. The UAE Center of the Mission also organized a Sevadal rally along with Guru Puja Samagam in areas of Dubai and Abu Dhabi in the Middle East. A ladies Samagam was organized on 27th of February 2016 in Toronto, Canada, where the message of humility and love was shared with one and all. The Atlanta branch of SNM organized a Bal Sangat along with a road cleanup and tree plantation drive. I referred back to Babaji's vichar. Babaji said, time is now to give God the importance. Human birth is the golden opportunity to know God. Time is now to realize the truth so we can benefit ourselves and those around us. We are one community. We are one energy. Like two rivers, one could be dirty and one could be clean. Even though there are still two different rivers, they all merge into one ocean. Our goal is to be that one ocean. Following his arrival, the next day, Bal and Youth Samagam was held in Sant Nirankari Bhavan in Atlanta, where saints from different states such as Tennessee, North Carolina, and South Carolina joined together to make the Bal and Youth Samagam spiritually successful. Welcome back, friends.
after a tour of the world showcasing the divine efforts of the mission in far-off nations. Mitro, Nirankari Mission, jahan 8 dashkon se aadhyatmik jagriti ki aur kadam badha raha hai, wahin mission dwara kiye ja rahe samajik prayason ne bhi sabhi aur apna prabhav chhoda hai. Jordan, what do you have to say about the social efforts and initiatives of the mission? The mission's social efforts have really progressed over the last year. Mm-hmm. Babaji is giving us the opportunity to practice what he is preaching, to have clean minds and to have clean thoughts towards others. Mm-hmm. How can we do this? He has blessed us to take part in Swachh Bharat Abhiyan, mm-hmm. the cleanliness drive around India, sure. which is helping us to create a clean environment for us to share these thoughts with people. जी हाँ, जैसे सदगुरु बाबा जी ने ये भी कहा कि प्रदूषण चाहे वो मन के अंदर हो चाहे समाज में बाहर हो, दोनों तरफ हानिकारक है. तो आइए जानते हैं फरवरी 2016 की SNCF एक्टिविटीज के बारे में SNCF डायरी में. SNCF की ओर से वर्ष भर चलने वाली गतिविधियों में फरवरी के महीने भी अनेक प्रकार के सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य किए गए, जिसमें 13 फरवरी को SNCF की ओर से स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत का 5वें चरण का सफाई अभियान चलाया गया. इस अभियान में मिशन के सेवादारों और SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की विधिवत रूप से सफाई की गई. गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से जहाँ स्थान स्थान पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता रहा, वहीं स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2015 से प्रत्येक माह में एक दिन देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की सफाई भी की जाती रही. दिल्ली के अलावा भी ये सफाई अभियान देश के अनेक रेलवे स्टेशनों पर चलाया गया, जहां निरंकारी सेवादारों और SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर के कोने कोने की सफाई की गई. इस अभियान का हिस्सा बनकर निरंकारी भक्त जहां अपने कर्मों के द्वारा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वक्तव्य नर सेवा नारायण पूजा को सार्थक करते हैं, वहीं तन मन के स्वच्छता के साथ ही बाहरी स्वच्छता के महत्व का संदेश भी देते हैं. निरंकारी भक्तों का उत्साह और समर्पण देखकर आने जाने वाले यात्री और रेलवे स्टाफ के लोग अचंभित होते रहे. इसी प्रकार प्रतिवर्ष 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस के अवसर पर होने वाले सफाई अभियान की लड़ी में इस बार देश भर में वृक्षारोपण तथा स्वच्छता अभियान चलाकर निरंकारी भक्तों ने सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का 62वां जन्म दिवस मनाया. इस अभियान का शुभारंभ हजूर बाबा जी ने अपने पावन कर कमलों द्वारा दिल्ली में बुराड़ी स्थित समागम ग्राउंड में वृक्ष लगाकर किया. दिल्ली के अलावा देश के विभिन्न स्थानों पर भी निरंकारी भक्तों ने वृक्षारोपण अभियान चलाया और पेड़ लगाकर देश और समाज को पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया. 23 फरवरी को प्रातः 6 बजे से ही राजधानी दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, जग प्रवेश चंद्र अस्पताल तथा डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में नीली तथा खाकी वर्दी पहने हजारों की संख्या में निरंकारी भक्त इन अस्पतालों में पहुंचने लगे और अलग अलग टीमें बनाकर सफाई की शुरुआत की. उन्होंने न केवल अस्पताल के अंदर OPD वार्ड्स, क्लिनिक, मेन हॉल, रिसेप्शन और प्रयोगशालाओं को साफ किया, बल्कि अस्पताल के बाहरी स्थानों जैसे टॉयलेट्स, वेटिंग रूम्स, पार्किंग आदि की भी बेहतर ढंग से सफाई की. दिल्ली का लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल इस अभियान का मुख्य केंद्र रहा. यहाँ हजार से भी अधिक की संख्या में निरंकारी सेवादारों और SNCF के वॉलंटियर्स ने होली सिस्टर्स श्रीमती मोहिनी आहूजा तथा श्रीमती बिंदिया छाबड़ा जी की अगुवाई में अपनी सेवाएं अर्पित की. समर्पण और उत्साहपूर्वक जुटे हुए इन भक्तों के भाव भी बेहद सराहनीय थे. निरंकारी भक्तों का उत्साह और समर्पित सेवा भावना देखकर अस्पताल के स्टाफ तथा आगंतुक चकित थे और वे मिशन के इस अभियान की प्रशंसा करने से अपने आप को रोक ना सके. आज संत निरंकारी मंडल की तरफ से 23 फरवरी को आप लोग आए और हमारे स्पेशली जो हॉस्पिटल की पेरिफेरी है, बाउंड्री वॉल के बाहर जो एरिया है, उसमें सफाई की रेगुलर व्यवस्था नहीं है. वो उसको आप लोगों ने सुचारू रूप से सफाई की है. इस एरिया की एरियाज में जाकर आपने जो सफाई की है, उसका मैं आपका बहुत बहुत सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ. ये चैरिटेबल मिशन जो है निरंकारी, बहुत सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं. ये समाज को एक नई दिशा और समाज की दशा सुधारने में बहुत जितने प्रकल्प चल रहे हैं, वाकई में मेरे को पूरा विश्वास है समाज की दिशा भी सुधरेगी, समाज की दशा भी सुधरेगी. आज तो कार्यकर्ता लाखों में है, करोड़ों में संख्या पहुँचेगी, क्योंकि जो प्रकल्प हैं वो समाज सेवा के प्रकल्प हैं, मानवता की सेवा के प्रकल्प हैं. तो निरंकारी मिशन की तरफ से जिस प्रकार से निभाया जा रहा है,
आने वाली पीढ़ी को एक सीख मिलेगी और एक अच्छे कॉज के लिए जो मिशन ने शुरुआत की हुई है उसके लिए मैं कहूँगा कि आपको बाबा जी का इसी प्रकार आशीर्वाद बना रहे। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के लिए जितने भी आवश्यकता दिल्ली सरकार से हमसे आपको सहयोग चाहिए, हम उसमें आपके साथ हैं। और दिल्ली स्वच्छ कहला हमारा नारा है, स्वच्छता में आप साथ दे रहे हैं। इसके लिए फिर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग भी अपने एरिए में सफाई रखेंगे, इससे लोगों को एहसास हो रहा है। और हमारा अस्पताल तो अक्सर अब सफाई रहता है और जो भी परेशानी थी अब दूर हो रही है। चल रहा है हमारे देश में उसके प्रति समर्पित होकर जो संत निरंकारी मिशन है, हमारी संत निरंकारी फाउंडेशन है, और ये हम सफाई करने आज हम 120 इंडिया के जो मेन हॉस्पिटल्स हैं हम वहाँ सफाई कर रहे हैं। एंड जो सिटीज़ हैं वो अबाउट 108 सिटीज़ हैं जहाँ पे अभियान चल रहा है, और आज थरली बहुत अच्छी तरह हम सारे ये हॉस्पिटल्स को साफ़ करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी सफाई हैदराबाद में भी चल रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधी हॉस्पिटल में चल रही है, वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में संत महात्मा और वॉलंटियर्स सब सेवा कर रहे हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के जो सेवादार हैं, जो मेंबर्स हैं, दे आर 1,90,000 इन टोटल नंबर इन अक्रॉस द कंट्री, एंड लगभग 2700 ब्रांचेज हैं, और बाहर भी 40 कंट्रीज़ में 400 ब्रांचेस बेसिकली इस संस्थान की हैं। और ये साथ साथ रेलवे स्टेशन का भी सफाई का कार्यक्रम साथ साथ कर रहे हैं, जिसमें हर महीने एक दिन एक साल के लिए लगभग 49 स्टेशन पे ये कार्य जो है ये चलाया जा रहा है। एक ओर जहां 23 फरवरी को राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, वहीं दूसरी ओर देश के भिन्न भिन्न शहरों में भी निरंकारी भक्तों ने मेहनत, लगन और समर्पण भाव से स्थान स्थान पर रास्तों, गलियों और गंदे नालों आदि की विधिवत रूप से सफाई की। निरंकारी मिशन के इस अभियान को देश भर के विभिन्न समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों ने मुख्य समाचार के रूप में प्रस्तुत कर भूरी भूरी प्रशंसा की। Friends, before moving forward into the next section, let us take a short break. In only a few short months, you're going to be embarking on a journey to the Nirankari International Samagam, a once-in-a-lifetime event hosted in the vibrant city of Toronto. In the days leading up to the festival, make every moment count by being up to speed on activities and events that you won't want to miss, all with the simplicity of glancing at your phone. Now introducing the SNM Events mobile app, a pocket guide to help navigate you through the week-long celebrations. You'll find the schedule on the homepage, showcasing the NIS happenings day by day. Push notifications will ensure you instantly receive updates and important information as they become available. The Discover tab provides you with access to all the big questions: where to stay, what to do, and how to get there. Feed instantly connects you with the most timely highlights, both news and social. Watch the live broadcast and share your experiences on Facebook, Instagram, and so much more. The registration process is easy and you can access your tickets right on your phone. Install the SNM Events app today, available now on all iPhone and Android devices. इस अल्प विराम के बाद दोस्तों आपका एक बार फिर से न्यूज़ डिवाइन में स्वागत है, और अब समय है अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ने का, जो है एक खास मुलाकात। दोस्तों एक खास मुलाकात में आज हमारी विशेष मेहमान है पोलैंड यूरोप से डैगमारा कावलिक बोवन, जो कि पहली बार भारत में आई हैं। हालांकि SNCF से निरंकारी मिशन की सोशल एक्टिविटीज से, सामाजिक योगदानों से इनका संबंध लगभग एक वर्ष से है। जानते हैं पहली बार भारत आने से इनका कैसा अनुभव रहा। सो डैगमारा, हाउ हैज इट बीन बीइंग फर्स्ट टाइम हियर इन इंडिया? It's been very intense. Everything is very different. Culturally, it's been a
very exciting experience. India is so diverse culturally, so it's not enough to talk about one Indian culture, it's the Indian cultures altogether, across the regions, across different cities. So I think it was very inspiring. Okay, that's nice. It certainly might have been really a vision for you. And how is it when you see the mission's activities? You've been involved with the mission's social activities for the last 1 year. How has the journey been? Mm-hmm. I have been observing the mission for a year already. And for the past 3 weeks, I've been able to really experience everything myself being here in India. We have visited the orphanage that Pooji Mataji also supports and that the mission also has given donations to. I have seen the blood bank in Mumbai, which is an incredible endeavor that the mission are now undertaking. Yeah. And I have seen the effort that the mission is putting into changing India, but also changing the world globally by sharing the message of oneness, by providing children with education, by building hospitals, mm-hmm. and by engaging in all sorts of different activities. Mm-hmm. When you were talking about this message of oneness, which happens to be the spiritual side, the spiritual aspect of the mission, which is again the mandatory and the fundamental requirement of the day. How do you think that this message of oneness, of the vision of His Holiness, which is the world without walls, how do you think the mission's teachings can really help manifest this dream and make the world a better place to live? I think the world needs an organization like the Sant Nirankari Mission, especially now in the 21st century when there are so many divides when it comes to races, when it comes to religions, so many different opinions that cause wars, mm-hmm. that cause misunderstandings, and in fact destroy a peaceful Earth. Mm-hmm. So in this sense, the mission is doing a lot by sharing this and is answering a lot of questions that people might have. The mission is helping to clear any doubts that people might have as well. Mm-hmm. So in this sense, it's extremely important. And I think the message that Babaji is putting across should be spread even further to even societies that have not yet heard of it. Thank you, Dagmara, for being here and sharing your views with us. Thank you very much, Rakesh. एक खास मुलाकात में अपने विशेष मेहमान की विचारधारा जानने के बाद आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ डिवाइन में स्वागत और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ पहुंचे हैं. जॉर्डन, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द NIS2, यू नो द फिनोमेनन एंड द निरंकारी इंटरनेशनल समागम विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन टोरंटो दिस ईयर in the month of June and July. What purpose do you think that NIS is going to be serving? Well, Rakesh, the first NIS was absolutely fantastic. Absolutely. Held in Birmingham. Mm. Of course, everybody's talking about it. This is an opportunity for everybody to connect on a social and spiritual platform and to share the teachings of His Holiness together under one roof. Ji haan. Aur dosto, jaise kaha jata hai, ki jiyo to phoolon ki tarah, mehko to khushboo ki tarah. Aur ye samay hai, अब खुशबू में प्रेम की, दया की, करुणा की, एकत्व की, इन सभी खुशबुओं में अपने आप को सराबोर करने का तैयार हो जाइए NIS के लिए. Yes, indeed. Get ready for the grand international festival of divinity, the NIS 2. और अब समय है अन्य समाचार जानने का अपने अंतिम सेक्शन में, अदर न्यूज. मिशन के प्रचार विभाग की ओर से वर्ष भर जहां देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार के समागम आयोजित किए जाते हैं, वहीं अनेक प्रकार की वर्कशॉप्स भी लगाई जाती हैं. इसी लड़ी में 11 फरवरी को दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी के सत्संग भवन के हॉल में बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए एक चिल्ड्रंस वर्कशॉप लगाई गई, जिसमें बच्चों को परीक्षा के दौरान स्वस्थ और तनाव मुक्त रहने की एक्सरसाइज भी सिखाई गई. इस वर्कशॉप में सैकड़ों बच्चों ने सम्मिलित होकर लाभ उठाया. इसी लड़ी में फरवरी के महीने में राजस्थान के जयपुर में 5 और 6 तारीख को और बीकानेर में 7 व 8 तारीख को यूथ वर्कशॉप लगाई गई, जिसमें युवाओं को निरंकारी मिशन व अन्य धर्मों की आइडियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में बताया गया. 10 फरवरी को संत निरंकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और स्कूल के बच्चों को दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया द्वारा सम्मानित किया गया.
जिसके तहत बच्चों को विभिन्न एक्टिविटीज में दक्षता हेतु एक्सेलेंस इन एजुकेशन अवार्ड और स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्राइज भी दिया गया। इसके अलावा इस स्कूल को बेस्ट एडेड स्कूल इन नॉर्थ रीजन से भी सम्मानित किया गया। आई एम ज्योत्सना ऑफ सन निरंकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं स्कूल से सिक्स क्लास से पढ़ रही हूँ और हर साल मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरी टीचर्स का है, मेरे प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम का। थैंक यू सो मच बाबा जी, मेरे को इन स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा और मुझे अवार्ड मिला, एक्सीलेंस अवार्ड। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मुझे ये अवार्ड मिला। हमारे स्कूल को इस वर्ष एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है, जो 10 फरवरी को त्यागराज स्टेडियम में श्री मनीष सिसोदिया जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड प्राप्त हुआ। पूरी दिल्ली में 4 रीजन्स हैं, नॉर्थ रीजन के क्षेत्र में हमें बेस्ट एडिड स्कूल का अवार्ड मिला। हमारे 2 बच्चों को भी सम्मानित किया गया जो नॉर्थ वेस्ट ए डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स स्ट्रीम में टॉपर रहा और एक बच्चा आर्ट स्ट्रीम का टॉपर रहा। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि इतने बड़े स्टेडियम में और पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में से हमारे स्कूल के 2 बच्चों को और हमारे स्कूल को ये अवार्ड मिला। Mr. Larry Pressler, a politician of South Dakota, USA, met His Holiness Babaji to seek his blessings in the month of February 2016. The representatives from the Art of Living Center honored His Holiness Babaji with an invitation to attend the International World Cultural Festival starting on the 11th of March 2016 in New Delhi. लीजिए दोस्तों, अन्य समाचार भी समाप्त हो गए। Jordan, happy moments pass so quickly, isn't it? Indeed, Rakesh. And it is the Satguru, our Lord Master, whose teachings make us eternally happy. Yes, sure. But only when we follow the word of the Lord Master in our thoughts, speech and action. Rightly so. With a prayer that may we all become instruments of His will, purpose and peace, it is time to bid adieu. With a promise to see you again next month with yet another episode of News Divine. This is Jordan. And this is Rakesh, wishing our lovely viewers on behalf of the entire team of News Divine. Namaskar, Dhan Nirankar.